हाँ जी भाइयों, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। ये व्लॉग दोपहर से शुरू हो रहा है भाई, तो अभी हम जा रहे हैं लंबुआ, हम और जफर भाई। बाकी लोकेशन ऑन रखे हैं, देख सकते हैं आप। अमाहट चौराहे से 14 किलोमीटर है भाई, तो चल रहे हैं आज लंबुआ। लंबुआ में एक मेरे भाई रहते हैं दमिश्रा जी करके, अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको दिखाऊँगा। हो सकता है अगर घर पे रहेंगे तो मिलवाऊंगा भी आपको, वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी चलिए चलते हैं भाई, निकल चुके हैं लंबुआ के लिए और इसी रास्ते से चलना है एकदम सीधा 14 किलोमीटर। आप देख सकते हैं मैप खुला है आपके आगे, बाकी अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो सीधा चलना है लंबुआ भाई। और चलिए फौरन चलते हैं, व्लॉग में बने रहिए, बस सब कुछ दिखाने वाला हूँ भाई, चलिए चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं गौ माता टहल रही है, देख। अबे साले आप कितनी ढेर सारी भाई, इन गाय के लिए एक गौशाला बनना चाहिए कायदे से भाई साहब। कई सारी गाय बिचारी ऐसे ही भूखी रहती हैं और ज्यादातर रोडों पे रहती हैं और इनसे कई सारे हादसे भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो भाई आराम से गाड़ी चलाइए, बाकी चलिए भाई ओवर ब्रिज पे चलना है, चलते हैं। भाई साहब देख सकते हैं पूरे शहर की सप्लाई इसी से जाती है, ये बिजली का पूरा कनेक्शन है भाई साहब, ये आउटसाइड में हमेशा बनता है बिजली का, अगर कनेक्शन जो भी होता है बड़ा सप्लायर ये आउटसाइड में बनता है भाई साहब, आपको बताना चाहते थे। बाकी जो भी चीज़ गलती कर रहे होंगे उसके लिए सॉरी, अगर आप खुद समझदार हैं तो जान ही रहे होंगे। भाई देख सकते हैं हनुमानगंज आ चुके हैं और हनुमानगंज कुछ गांव के तरीके एकदम लग रहा भाई साहब, देख सकते हैं। हालांकि सुल्तानपुर आ चुके हैं तो गांव ही के तरीके सब कुछ है, यहां पे गांव वगैरह दिखेगा ज़्यादा और बिल्डिंग वगैरह थोड़ा कम दिखेंगी। और अभी हम लोगों को सीधा इधर ही से चलना है और गाय जी आ रही हैं, देख सकते हैं आप, उनको आराम से पार करना है। और इधर देख सकते हैं गाड़ी की पूरी कटिंग वगैरह होती है भाई साहब, खतरनाक है यार। इस एरिया का नाम मुझे नहीं पता है, बाकी यार नहीं पता है, यहाँ पे आया हूँ लेकिन पता नहीं है, याद नहीं आ रहा है भाई। रास्ता दादा से पूछ रहे थे और छोटे छोटे भाई लोग हैं यहाँ पे मिल गए हैं, तो बोल रहे हैं कि आगे से वहाँ जाना पड़ेगा जो वो टावर दिख रहा है, बाकी आपको दिखेगा नहीं शायद। हाँ ये देखिए, ये जो टावर दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ेगा और हम लोग यहाँ हैं, इस पार हैं। तो भाई या तो आगे से रास्ता है बता रहे हैं या तो पीछे से रास्ता है ना दादा। हाँ। तो चलिए भाई फिलहाल आगे ही से चलते हैं क्योंकि हमने मैप भी लगा रखा है, जफर भाई देख सकते हैं पीछे बैठे हैं मैप लगा के, तो चलिए सीधा चलते हैं। उसके बाद चलना है आज मिश्रा जी के पास, तो यार थोड़ा से कष्ट करना ही पड़ेगा, ना घुमाना ना फिराना ना कहीं गिरिक ना गिरिक। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, भाई दादा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। दादाजी उस रोड पे बैठे थे जो उधर वाली रोड है, किनारे बैठे थे, वहाँ से दादाजी चल के आए, हमें लोकेशन बताए। और गाँव की यही सब सारी चीजें अच्छी लगती है यार, कि गाँव वाले को अगर रास्ता पूछना होता है ना तो वो पास में एकदम आते हैं, चाहे थोड़ा सा दूरी हो वो पास में आके हमें अच्छे से समझाते हैं और अच्छे से बता देते हैं। और शहर वगैरह में ऐसा सीन नहीं दिखाई देता है, शहर वगैरह में या तो मैप देखो या तो पास में जाओ, इंसान के एकदम पास में खुद ही जाओ तभी बताते हैं। चलिए भाई चलते हैं। भैया आगे से राइट ले लिया हम लोगों ने, लंबुआ कितनी दूर पड़ेगा भाई यहाँ से? कितने किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर। ये बताइए दमिश्रा जी को जानते हैं? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भैया बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर पड़ेगा और मिश्रा जी का नाम लिया तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जानते हैं। बाकी देख सकते हैं भाई लंबुआ कुछ खतरनाक जगह पे लग रहा है यार, बाकी एकदम जंगल ही जंगल है, रात में आने जाना तो यार एकदम हमें लगता है कि मुश्किल होता होगा। बाकी भाई चलिए सीधा चलते हैं लंबुआ, और काफी ज्यादा सन्नाटी रोड है, शाम भी हो रही है, चलिए चलते फौरन। गाइस यहाँ से लंबुआ 15 किलोमीटर है भाई, और लंबुआ का रास्ता भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग कभी आए नहीं है, सुल्तानीपुर तक की हम लोगों का आना जाना है और क्या ही बताएं यार, लंबुआ यार बहुत ही खतरनाक जगह पे है। चलिए भाई, भाई ने रास्ता बता दिया, ठीक है भाई चलना है, बता रहे हैं भैया की एकदम सीधा खाले मुड़े के नहीं, एकदम सीधा क्रॉसिंग पड़े, एकदम सीधा चलना है, ठीक है भाई। भाई फाइनली आ चुके हैं लंबुआ चौराहा, दोनों भाई लंबुआ चौराहा आ गए हैं बहुत देर के ढूंढने के बाद, बहुत ज्यादा दूर है भाई, 22-25 किलोमीटर है। बाकी आप देख सकते हैं लंबुआ चौराहा ऐसे ही है भाई, ये रहा लंबुआ चौराहा,
जफर भाई भी है। तो चलिए भाई अब पता करते हैं किसी से यार कि भाई कहाँ है दमिश्रा जी का घर, कहाँ है। चलिए किसी बंदे से पता करते हैं, उसके बाद जैसा भी होता है फिर बताते हैं आपसे। भाई से पूछा लंबुआ के बारे में, दमिश्रा जी के बारे में, तो बोल रहे हैं कि गादीपुर में पड़ता है जो भाई जा रहे हैं। तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी चलते हैं भाई, यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है, तो चलिए भाई गादीपुर भी चलते हैं, वहाँ पे भी पता कर लेते हैं। भाई लोग ये जो ट्रैक्टर जा रहा है इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? 1-2 फीट खेत ये जोत लेता है, बासी आप जोतवाना चाहें तो इसको बुला सकते हैं। घंटे का चार्ज इसका होगा 500 रुपये, ठीक है भाई, देना चाहेंगे कि नहीं? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? भाई लंबुआ आए थे, लंबुआ से जा रहे थे गादीपुर, लेकिन घर वालों का बहुत ज्यादा फोन आ रहा है कि कहाँ हो। कई घंटे से हम लोग निकले हैं भाई लखनऊ से, तो घर वालों का ध्यान बहुत ज्यादा लगा है और अम्मी भी परेशान हो रही है। तो अभी तो यार क्या ही करें, अब यार इधर भी फंस गए हैं उधर भी फंस गए हैं, लेकिन अब हम लोगों का प्लान यही हो रहा है कि चला जाए भाई फौरन घर, क्योंकि भाई घर भी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को आधा एक घंटा लग जाएगा। बाकी चलिए चलते हैं भाई। बारिश होने लगी, मिश्रा जी के चक्कर में हम लोगों की वाट लग गई है, घर वालों से अलग चाट खाना पड़ रहा है और लेट अलग हो रहा है, बारिश भी हो रही है तो कहीं रुकना भी पड़ेगा भाई। आपको दिखा देते हैं नहीं हो रहा है तो ये देख सकते हैं बारिश बहुत तेज होने वाली है भाई, लग रहा है क्योंकि बहुत तेजी के साथ बूंद बूंद पड़ रही है। तो चलो भाई आराम आराम करके फौरन चलते हैं, जहाँ ज्यादा तेज होती है बारिश वहाँ रुकेंगे। भाई अभी हम धरौली में हैं और बारिश काफी तेज हो रही है, तो इस वजह से हम लोग गाड़ी खड़ी करके रुक गए हैं भाई। बाकी आप देख सकते हैं भाई बारिश हो रही है, थोड़ी कम होती है तो फिर चलते हैं। ये नया लुक है मेरा देख सकते हैं, पठान वाला कोई फिल्म लॉन्च कर दी जाए कि नहीं ये बताइएगा। बारिश कम हो चुकी है, बाकी आपके भाई ने देख सकते हैं पठानी लुक पहन रखा है, अंगोछा अंगोछा काफी तगड़ा डाल रखा है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा हूँ। और बारिश कम हो चुकी है तो चलिए भाई धीरे धीरे करते हुए चलते हैं घर, डांट तो पड़नी है, पड़ी रही है, चलो भाई चलते हैं। सामने प्यारे पट्टी आ चुका है देख सकते हैं आप, और यहीं पे आपके भाई को रहना है, यहाँ पे मेरे खाला का घर है। तो चलिए भाई चलते हैं, हाईवे इतना आते चले गए कि प्यारे पट्टी आ गया भाई, मजा आ गई यार देख के। तो चलिए भाई चलते हैं खाला के यहाँ अपने, जैसा भी होता है फिर बताते हैं। तो भाई आ चुके हैं खाला के घर में और मिश्रा जी से मुलाकात नहीं हो पाई ना मिश्रा जी के हम लोग घर जा पाए। लंबुआ में पहले पता था कि लंबुआ में शायद घर है, लेकिन लंबुआ में जब पता किया तो वहाँ पे पता चला कि कादीपुर में घर है, और कादीपुर आपका भाई जा नहीं पाया, तो क्या ही बोलूँगे, पूरा भाई भीग गए मिश्रा जी के चक्कर में, हम लोग की पूरी वाट लग गई, मगर किसी और टाइम मिल पाएंगे यार मिश्रा जी से। बाकी ये वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर करिए कि मिश्रा जी के पास ये वीडियो चली जाए, बाकी मैं मिश्रा जी को टैग कर दूंगा, है ना भाई? हाँ भाई बिल्कुल टैग करो यार मिश्रा जी को। भाई खाले यानी घर में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं घर में कोई है नहीं, तो काम करना पड़ रहा है फराज भाई को, देख सकते हैं थोड़ा शर्माते हैं, बाकी कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक तो अब्बा के साथ कभी कभी आप देखते होंगे, आज फराज भाई के साथ देखेंगे। माशाल्लाह कितनी अच्छी गोल गोल कर दे रहे हैं, हम तो ऐसा कर ही नहीं पाते हैं भाई। बाकी फराज भाई है और अभी रोटी वोटी बेलेंगे, तो देखिएगा ब्लॉग में बने रहिए, जैसा भी होता है बताते हैं। कोर्सी है, कोर्स से बहुत ज्यादा बेहतर है, जाइए भाई हम कर लें भाई, बता बस आप खा लीजिएगा, हम भी खा लेते हैं। नहीं बेटा ऐसा थोड़ी ना, कोई बेकार फिल्म बनेगी, अच्छी बनेगी नहीं अच्छी खराब भाई। तो भाई पहली रोटी डल चुकी है तवे पे और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। बाकी फराज भाई हमारे बना रहे हैं, पैर में दर्द भी है भाई के और अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी चलिए देखते हैं जैसा भी होता है बताते हैं आपको। बाकी जफर भाई भी खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं बेचारे, सोच रहे हैं क्या करवाएं क्या नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली गाइस पहली रोटी देख सकते हैं आप, क्या ही जबरदस्त बनी है। ये बेलने जा रहे हैं, बेल के लिए है बस, थोड़ा चिपक जा रहा था, आराम आराम से भाई रोटी सेकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हम लोग तो भाई कच्चे खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस आदमी अप्पा जो हैं हमारे वो यहाँ है नहीं। भैया भाई क्या बोलना चाहिए, हाँ ये तो बात सही कह रहे हैं, बाकी क्या ही बताएं भाई, फराज भाई पूरा पसीने से भीग चुके हैं और अभी 4-5 रोटी ही बनी है, 10-20 रोटी और बनना बाकी है। बाकी चलिए भाई रोटी तो बना ही के रहेंगे हम लोग, बाकी आप लोग फटाफट अपना काम करते रहिएगा, जो हम अभी कर रहे हैं वो हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप लोग अपना काम करते रहिएगा, समझ रहे हैं आपका काम लाइक से। काफी देर मेहनत करने के बाद मेहनत रंग लाई गाइस और परफेक्ट रोटी अभी जाके डली है,
ठीक है। थोड़ा अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं जलाए हैं। भाई देख सकते हैं देसी जुगाड़ है, चावल अगर जलने लगे तो एक प्लेट लीजिए गहरी सी, उसमें पानी रखिए और आराम से फिर चावल को ऐसे करके रख दीजिए तो शायद चावल ना जले। बाकी अभी इस खुलने के बाद ही पता चलेगा चावल जला है कि नहीं। गाय यारी रोटी आप देख सकते हैं, भाई हमारे पलट रहे थे, पता नहीं कैसे बेल दिए हाथों से यूं करके क्या बन गई है, ये तो नाव बन गई है एक तरह। बाकी कोई बात नहीं भाई, सब रोटी खा लिया जाएगा, भूख ऐसी चीज होती है ना कि भाई कुछ भी खाए। चच्चों हिला देती है भाई। गाइस देख सकते हैं बारिश कितनी ज्यादा तेज हो रही है सुल्तानपुर में आने के बाद, भाई देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं, तो भाई ठंडा मौसम भी हो जाएगा। बाकी आपके भाई की बाइक बाहर खड़ी है, रोटी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए खाना लगता है तो आपको जरूर दिखाएंगे। फाइनली गाइस जफर भाई खाना खा रहे हैं, रोटी सही बनी है जो आप बना रहे हैं, दोनों रोटी भी है। वाह भाई वाह। बाकी हम भी खाते हैं भाई, और हमारे पास रोटी ये वाली आई है जो फराज भाई की फेवरेट रोटी है। चलिए भाई फटाफट करके खाते हैं। तो आज के व्लॉग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।